चंद दिनों में बर्तानिया के वित्त मंत्री यानी चांसलर फिलिप हैमंड भारत आएंगे। बर्तानिया के प्रधानमंत्री तेरेसा मे के ब्रेक्जिट के कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद वहां के वित्त मंत्री का भारत दौरा में होगा गाना बजाना, खाना पीना मेहमानों का, और भारत को इंश्योरेंस के बिजनेस जो उन्होंने 200 साल पहले ईजाद किया था, अब वो बेचेंगे मसाला बॉन्ड। बर्तानिया पे ये बहुत ही बड़ा दबाव है कि वो मसाला बॉन्ड के जरिए विश्व में सिटी ऑफ लंदन को फाइनेंशियल कैपिटल बनाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन ब्रेक्जिट के बाद लंदन यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल हो, ये मुमकिन नहीं। ब्रेक्जिट के अलावा बर्तानिया को एक और उलझन सता रही है। देश के उत्तरी भाग में स्थित है स्कॉटलैंड, और वहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर बर्तानिया से अलग होने के लिए रेफरेंडम पर विचार कर रहे हैं। ब्रेक्जिट के बाद बर्तानिया का यूरोपीय महादेश का फाइनेंशियल कैपिटल का सरताज बने रहने पर गहन चिंता जताई जा रही है। इसलिए बर्तानियाई वित्त मंत्री और उनके शिष्टमंडल भारत को मसाला बॉन्ड बेचने की हर एक फिराक में होंगे। पर भारत का उद्देश्य होना चाहिए अपना कोहिनूर हीरा, जो वहाँ के रानी के मुकुट में जड़ी गई है। भारत की आज़ादी के बाद से ही समय समय पर यह बहस गर्माता जा रहा है, और बर्तानिया से गुहार लगाई जा रही है कि उनका कोहिनूर उन्हें वापस मिले।